जनपद आगरा में हो रही लूट व चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए घटनाओं के सफल अनावरण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध के कुशल नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी सदल के सफल परीक्षण में वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें क्राइम ब्रांच टीम व थाना रकाबगंज पुलिस की टीम ने चैन लूट व चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों जिसमें रजनीकांत उर्फ चंडी थाना हरिपर्वत, रजनीकांत थाना सदर, गोविंदा थाना रकाबगंज, बीना पत्नी थाना इतमदौला, वहीं फरार अभियुक्त में दो व्यक्ति हैं जिसमें कमल सिंह और विजय सिंह हैं। ये दोनों ही व्यक्ति फरार चल रहे हैं, दोनों की खोज की जा रही है। जनपद आगरा में पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं और जो लूट की घटनाओं का विशेष तौर पर जो चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी उनको देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक लगातार प्रयास जारी थे, जिसके अंतर्गत आज आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब हमने चार लुटेरों को चोरी और लूट के माल के साथ गिरफ्तार किया। इन चार लुटेरों का नाम जिनको हमने पकड़ा है, रजनीकांत उर्फ चंडी है, दूसरा रजनीकांत उर्फ अमर सिंह, तीसरा गोविंद पुत्र राकेश और तीसरा एक इनकी साथी महिला थी जिसका नाम बीना पत्नी जीतू बताया जा रहा है। इनके पास से हमें 1,00,000 रुपए नगद कैश बरामद हुआ है, एक तमंचा 315 बोर का, दो जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल FZ जिससे ये लगातार घटनाएं कर रहे थे वो बरामद हुई है। इसके अलावा 8 चैन, एक रुद्राक्ष जड़ी हुई चैन, 4 अंगूठियां, 9 जोड़ी कान के टॉप्स, 7 जोड़ी नोज पिन, 6 जोड़ी कंगन, 6 मंगलसूत्र, एक माला मुंगा, इसके अलावा 3 सफेद धातु की मूर्तियां बरामद हुई हैं जो चोरी जाना बताया जा रहा था, 2 हाफ करधनी, 3 जोड़ी चांदी की खड़ाऊ ब्रेसलेट और ये सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा जो ये प्रयुक्त करते थे ताला तोड़ने के लिए सरिया और पेचकस भी बरामद किया गया है। जो ये सामान बरामद हुआ है ये महिला के पास से बरामद हुआ है। अभी इसका आकलन करना जो है उचित नहीं है, लेकिन 1,00,000 रुपए कैश है, इसके अलावा ये सब ज्वेलरी के आइटम है। अभी तक हमारी पूछताछ में जो है यहाँ पे 4 वारदातों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा 2 अभी अभियुक्त फरार हैं, कमल पुत्र राकेश और विजय पुत्र पप्पू। इसमें अभी हमारी पता है कि जैसे कि विवेचना चल रही है इसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं, इसके गैंग कहां तक जुड़े हैं, कहां तक इसके तार इसमें और कौन कौन शामिल है, इसमें भी और खुलासे होंगे। इसमें अभियुक्त रजनीकांत उर्फ चंडी और अभियुक्त कमल पुत्र राकेश, तो इसका इन दो का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। अभी पूरी डिटेल इकट्ठा की जा रही है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि आर्थिक लाभ के लिए यह किया गया है। अभी तक इतना सामान बरामद हुआ है और जैसा कि मैंने बताया कि अभी 2 अभियुक्त फरार हैं, हमें उनको पकड़ने के बाद और ज्यादा रिकवरी मिलने की उम्मीद है। अभी तक हमने बताया, अभी तक हमारी 3 घटनाएं इसमें खुलासा हुआ है, जिसमें से 3 रकाबगंज की और 1 हरिपर्वत की। इसमें माल की जो बरामदगी हुई अभी लिस्ट आपके सामने हमने पढ़ा है, बाकी प्रेस नोट में आपको उपलब्ध कराया गया है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।